क्या हालत था जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो कहां आते थे जी? शाम होने के बाद घर से निकलने का हिम्मत करता था? घर से निकलते नहीं थे शाम होने के बाद। कैसी स्थिति रहती थी पहले की स्थिति, और फिर कहीं कोई जाना चाहता था तो बहुत जगह सड़क तो नहीं था, ज्यादातर जगहों पर तो पैदल जाना पड़ता था। अरे हम जब एमपी थे तो हमको अपना याद है, बाढ़ के एमपी थे, तालका इलाका, और कहीं कोई सड़क नहीं, पैदल चलते थे। आपको मालूम हम अपने क्षेत्र में घूमते थे, और जिस दिन भी हम क्षेत्र में जाते थे एक दिन में हम पैदल 12 किलोमीटर चलते थे। हम केंद्र में मंत्री भी हो गए थे, उस समय की भी बात है। ये बिहार का हाल था, और कहीं भी जाते थे तो क्या बुरा हाल रहता था, किस तरह से लोगों को दिक्कत होती थी। तो हम लोगों ने कितना ज्यादा काम करना शुरू किया। अब बोलिए, लगभग जो हम लोगों ने तय किया कि गांव गांव को सड़क से जोड़ेंगे, ये काम हो गया। और आप जानते हैं कि हम लोगों की शिकायत सुनने के लिए बैठते हैं सोमवार को, अब आकर के जो बताते हैं उनको भी हम लोग देखते हैं एक एक तरफ से। तो एक एक जगह पर काम, शहरी इलाके का कितना विकास। और केंद्र में जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार बनी तब पूरे देश में और भी केंद्र सरकार की तरफ से सड़कों के बनाने का जो निर्णय लिया गया, और वो उसके बाद से जो काम शुरू हुआ है। अब कितनी सड़कें बनी है राज्य सरकार के द्वारा, कितनी सड़कें बनी गांव की, कितनी सड़कें बनी शहरों की, कितनी सड़कें बनी है, ये सब करके अब आपको कितनी सुविधा। और जो जो कहीं कहीं बचा हुआ है चिंता मत करिएगा, एक एक चीज को देखते रहते हैं, तो वो सब सड़क को तो हम लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन पहले से लेकर के अभी क्या सुविधा हो गई। और आप जानते हैं जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था तो उस समय कह दिया था कि भाई राज्य के सबके दूर दराज इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जब 6 घंटे का उद्देश्य प्राप्त हो गया तब उसके बाद हम लोगों ने फिर तय कर दिया कि अब आगे का हमारा उद्देश्य है कि 5 घंटा से ज्यादा समय न लगे। और उसके लिए कितनी सड़कें कितनी बन रही है, कितना पुल बन रहा है। और हम लोगों ने तय कर दिया कि सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, पुल पुलिया बनाना नहीं है, बल्कि उसको हमेशा मेंटेन करके रखना है, उसका देखभाल करना पड़ेगा। आज भी कभी कभी बाढ़ आता है, बर्बाद हो जाता है, हर बार हम कहते हैं। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि जितनी भी हमारी सड़कें हैं, जितने भी हमारे पुल पुलिया हैं, ये सब का मेंटेनेंस का काम भी संबद्ध विभाग करेगा, ये हम लोगों ने तय कर लिया है। और उसके हिसाब से अभी लोग इस पर आगे काम कर रहे हैं, और भवन निर्माण भी बनाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने तय किया। तो कितना काम किया,